दो हजार ऑफ़ बिजनेस इक्यासी एट स्कूल चैप्टर 2681 सौ 2690 यह सच था कि वह हमेशा काम में व्यस्त रहती थी जब जी बेंग ने उससे पहले पूछा था क्या मैं शामिल हो सकता हूं लेंग शाओक्सी से पूछा वह जी बेंग से परिचित नहीं थी और सामान्यता उसे नहीं जाना चाहिए था और अगर वह जाती थी तो उसे एक उपहार तैयार करने की जरूरत होती थी हालांकि वे करीब नहीं थे इसलिए उपहार बहुत अधिक हो सकता है उनके पास उपहारों की कमी नहीं थी लेकिन यह उचित नहीं था हालांकि जी बेंग ने अब उनके सामने इसका उल्लेख किया इसलिए उसे अपनी इच्छा दिखाने की जरूरत थी यह सिर्फ शिष्टाचार के तौर पर नहीं था उसे वास्तव में उम्मीद थी कि वे दोस्त बन सकते हैं बेशक कृपया आओ और मिस झान यदि आपको घर जाने की कोई जल्दी नहीं है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकती हैं यह अच्छा होगा अगर हम में से अधिक लोग एक साथ जश्न मना सकें जी बेंग ने कहा यह एक ईमानदार निमंत्रण था और उसे उपहारों की कोई परवाह नहीं थी वह बस एक मज़ेदार पार्टी करना चाहती थी बहुत बढ़िया अगर मैं कुछ और दिनों के लिए राजधानी में रहूंगा तो जाऊंगा जान जीन ने उत्तर दिया यदि जी बेंग ने उसे आमंत्रित नहीं किया होता तो वह इसका उल्लेख नहीं करती आखिरकार जी बेंग के साथ यह उसकी पहली मुलाकात थी लेकिन चूंकि जी बेंग ने उसे जाने के लिए आमंत्रित किया था इसलिए वह उनके साथ शामिल होने में प्रसन्न होगी ज़ी बेंग काव्या की दोस्त थी इसलिए वह भी उसकी दोस्त थी थोड़ी देर बाद जू किन्यन और गो अन्ना पहुंचे हालांकि जू किन्यन तांग क्विन्यांग के साथ नहीं आए तांग क्विन्यांग का काव्या के साथ रिश्ता था लेकिन लेंग शाउटिंग से उसका कोई संबंध नहीं था इसलिए वह नहीं आ रहा था एक बार जब जू किन्न्यन और गो अन्ना आए तो गोअन्ना ने शिकायत की ओह oh, बेंग आप हमसे पहले आए थे आपने हमें क्यों नहीं बुलाया क्या हम दोस्त नहीं हैं गो परिवार को लेंग परिवार द्वारा आमंत्रित किया गया था इसलिए गो अन्ना और जू किन्नियन को पता था कि काव्या लेंग परिवार के घर जल्दी आ गई थी लेकिन अप्रत्याशित रूप से जी बेंग भी वहां थी यह उनकी जान जीन से पहली मुलाकात थी इसलिए वे उसे नहीं जानते थे चाहे आपको बुलाया गया हो या नहीं आप यहाँ है मुझे नहीं लगता कि आपको कॉल करने के लिए मुझे श्रेय बर्बाद करने की जरूरत है काव्या ने कहा यह सुनकर गो अन्ना और जू किन्यन आश्चर्यचकित रह गए गो अन्ना ने अपनी आंखें घुमाई और उदासी से कहा आप बहुत सफल हैं। और आपके पास अरबो युआन है आप थोड़ा सा क्रेडिट बचाने की भी परवाह क्यों करते हैं क्या आप पैसे को अपने दोस्तों से ज्यादा महत्व देते हैं यह हृदय विदारक है यह कहते हुए गो अन्ना ने अपनी छाती भी ढक ली जैसे कि उसका दिल दर्द कर रहा हो हर कोई उससे खुश था और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया वे जानते थे कि यह महज एक मजाक था क्या आप यह कह रहे हैं कि मैं मतलबी हूं फिर दवा काव्या ने कहा और गो अन्ना पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली उसने बात पूरी नहीं की लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सब कुछ कह गई हा हा गो अन्ना को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत अपना रवैया बदल दिया मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं आप इस दुनिया में सबसे उदार और सबसे अच्छे दोस्त हैं यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपका मित्र बन सका गो अन्ना को काव्या पर बहुत प्यार आया उसे बस काव्या से कीमती दवा मिली थी इसलिए वह यह नहीं कह सकती थी कि काव्या मतलबी थी वैसे भी वे सिर्फ मजाक कर रहे थे और वास्तव में कोई भी नाराज़ नहीं हुआ बाद में गो अन्ना सीधे बैठ गए और शिकायत करने लगे तुम नहीं जानते कि वह औरत कितनी घृणित है मैंने पहले कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा करीब दो दिन पहले हम लोग एक बार में शराब पीने गए थे मैं हाई स्कूल के एक सहपाठी से मिला और वह पुरुष जिसकी वह महिला प्रशंसा करती थी मेरे साथ शराब पीने आया हम तो बस पी रहे थे मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा लेकिन महिला नाखुश थी वो भी मेरे साथ पीने आ गई इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता कि वह मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही थी जब हमने खाना खाया तो मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी इसलिए मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं था इसलिए जब मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने उसे दोबारा प्रतियोगिता कराने की चुनौती दी अन्यथा यह अनुचित होगा महिला सहमत हो गई और हारने वाली तीन बार चिल्लाएगी कि वह कुतिया है हम शुक्रवार रात को उसी बार में मिलेंगे हालांकि वह इन दिनों मुझे संदेश भेजना बंद नहीं करती जैसे कि उसे डर हो कि मैं अनुपस्थित रहूंगा चलो मैं हमेशा अपनी बात रखता हूँ गो अन्ना सचमुच पागल था तो क्या तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे काव्या ने पूछा यह सुनकर गो अन्ना असहज दिखे वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी लेकिन जब वह काव्या से दवा मांगने गई तो यह साबित हो गया कि वह चिंतित थी शायद जरूरत पड़े मैं सार्वजनिक रूप से तीन बार जोर जोर से खुद को बीचर नहीं कहना चाहता यह अपमानजनक है उच्च समाज में मेरी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है वह केवल जीतना चाहती थी और उसे उस महिला की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी वैसे भी वह महिला ही थी जिसने सबसे पहले उसे परेशान किया काव्या मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली ओह हमने बहुत देर तक मेरे बारे में बात की है मुझे आपसे इस सुंदरता का परिचय हमसे कराने के लिए कहना चाहिए था गो अन्ना ने विषय बदल दिया सुंदरता जानजीन थी यह मास्टर लेंग के अच्छे पुराने दोस्त जान जीन की पोती है काव्या ने कहा आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस हान मैं गो अन्ना हूँ गो अन्ना ने तुरंत जान जीन को बधाई दी आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस काव्या जान जीन ने विनम्रता से उत्तर दिया हाय मिस जान मैं जू हायन हूँ आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस जू जान जीन ने विनम्रता से जवाब दिया इसके बाद वे यूं ही बातें करते रहे शाम चार बजे के बाद एक के बाद एक मेहमान आने लगे लेंग परिवार के रिश्तेदार जैसे जियांग परिवार और यू परिवार पहले आ गए लेंग परिवार की संपार्श्विक शाखाएं भी मौजूद थी मास्टर लेंग के दो भाई और तीन चचेरे भाई थे वे लेंग परिवार के बहुत समर्थक थे और वफादार भी थे उनके एक भाई और चचेरे भाई राजधानी में रहते थे और अन्य दूसरे शहरों में महत्वपूर्ण पदों पर थे लेंग परिवार न केवल मास्टर लेंग के परिवार पर भरोसा करके शक्तिशाली बन गया उसे अपने भाइयों और उनके संपर्कों से समर्थन की आवश्यकता थी हालांकि वे सभी अब सेवानिवृत्त हो चुके थे उनके बेटे बहुत उत्कृष्ट थे और उनसे भी आगे निकल गए और क्योंकि मास्टर लेंग के भाई और चचेरे भाई सेवानिवृत्त हो गए थे उनके पास उनका जन्मदिन मनाने का समय था इसलिए वे अपने पोते पोतियों के साथ आए आखिरकार वे बड़े थे और यह एक लंबी दूरी थी उनके परिवार के सदस्य उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे इसलिए वे परिवार के एक दो अन्य सदस्यों के साथ आए भले ही उनके साथ अंगरक्षक थे फिर भी परिवार उनका साथ दे सकता था मास्टर लेंग के पांच भाइयों और चचेरे भाइयों में से तीन पोते पोतियों के साथ आए थे दो पोते पोतियों के साथ आए और एक पोतियों के साथ उनके पोते पोतियों की उम्र लेंग शाउटिंग और अन्य के समान ही थी इसलिए उनकी उम्र लगभग पच्चीस वर्ष थी लेंग वेंजेन मास्टर मास्टरलेंग के भाई के सबसे बड़े पोते थे वह पच्चीस साल का था और उसने दो साल तक काम किया था लेंग जोक्सुआन मास्टर मास्टरलेंग के चचेरे भाई के सबसे बड़े पोते थे वह छब्बीस साल का था और उसने तीन साल तक काम किया था मास्टर मास्टरलेंग के दूसरे चचेरे भाई की पोती थी वह तेईस साल की थी और उसने आधे साल तक काम किया था लेंग वेंझेन और लेंग झोकसुआन अपने परिवार में सबसे उत्कृष्ट बच्चे थे हालांकि उन्होंने केवल दो या तीन साल ही काम किया था लेकिन उन्हें पदोन्नति मिलने वाली थी लेंग वेंझेन के लेंग शामिन के साथ अच्छे संबंध थे और वे अक्सर मिलते थे और संपर्क में रहते थे लेकिन वह लेंग शामिन के करीब नहीं थे ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि लेंग शाउटिंग ठंडे लग रहे थे और उनके साथ मिलना मुश्किल था बल्कि इसलिए था क्योंकि लेंग शाउटिंग बहुत उत्कृष्ट थे और आसानी से अपने साथियों की ईर्ष्या पैदा कर सकते थे जब वे छोटे थे तब से लेंग शाउटिंग अपने स्कूल में सबसे उत्कृष्ट छात्र थे उनके बड़े होने के बाद भी वह सबकी नज़रों में सबसे अच्छा बच्चा था ईमानदारी से कहें तो कई बच्चों को यह पसंद नहीं आता जब उनके माता पिता दूसरे बच्चों की तारीफ करते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं इसलिए लेंग शाउटिंग के साथ ही उसे नापसंद करने लगे साथ ही उनके रिश्तेदारों के बीच लेंग जोकसुआन और लूमयावरन जैसे कई प्रशंसक थे वे उसकी बहुत प्रशंसा करते थे लेकिन चूंकि वे कम ही मिलते थे इसलिए वे बहुत करीब नहीं थे वैसे भी जब वे मिलते थे तब भी वे बातें करते थे लेंग झोंकसुआन और अन्य लोग अपने दादाजी के पीछे पीछे लेंग परिवार के घर तक गए बड़ों से अभिवादन के बाद वे छोटे सदस्यों से मिलने निकले केवल युवा लोगों के पास सामान्य विषय थे इसलिए यदि वे बड़ों के साथ रहेंगे तो उन्हें असजता महसूस होगी लेंग शाउटिंग और अन्य लोग यार्ड में गजेबों में थे लेंग झोक सुन के अंदर आने के ठीक बाद उसने उन्हें देखा लेकिन उसे अभी भी पहले बड़ों का अभिवादन करना था परिणामस्वरूप लेंग परिवार के घर पहुंचते ही वह उनके पास नहीं गया हाय शाओमिंग लेंग वेंझेन ने युवा लोगों से मिलने के बाद ही लेंग शाओमिंग को नमस्ते कहा उसने सीधे तौर पर बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया लेकिन किसी ने परवाह नहीं की वैसे भी जो लोग उनसे परिचित थे वे उनके चरित्र को अच्छी तरह से जानते थे जबकि जो लोग उन्हें नहीं जानते थे उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी हाय शाउटिंग शाउमिंग शाउक्सी शाओक्सुन, मिस्टर ज़ू और बाकी सभी लेंग झोक्सुआन और लू मियाओरन बहुत अच्छे थे और उन्होंने उन सभी के नाम पुकारे जिन्हें वे जानते थे जेन जोकसुआन मियाओरन स्वागत है लेंग शाउमिंग ने कहा हालांकि लेंग वेंझेन का लेंग शाविंग के साथ घनिष्ठ संबंध था लेंग शावमिंग की नजर में लेंग वेंझेन लेंग झोक और लू म्याओरन एक ही थे जहां तक अपने साथियों के रिश्तेदारों की बात है वह उनके साथ समान व्यवहार करता था यदि वे उससे बात नहीं करना चाहते तो वह उन्हें परेशान भी नहीं करता हाय झोंक सुन मिया और लेंग शाक्सुन और लेंग शाउक्सी ने फोन किया हाय जोक सुन मिया कुछ समय हो गया जू जिनचेन उन्हें देखकर मुस्कुराए यह लेंग झोक सुन है और यह लू मियान है वे दोनों रिश्तेदार हैं लेंग शाउटिंग ने उन्हें काव्या और अन्य लोगों से मिलवाया जब उन्होंने अभिवादन का आदान प्रदान किया तो उन्होंने सीधे लेंग व्यंझेन को नजरअंदाज कर दिया उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया लेकिन वे लेंगेन से अपरिचित थे इसलिए उनका अभिवादन करना जरूरी नहीं था आप सबसे मिलकर अच्छा लगा काव्या और अन्य लोगों ने भी उनका अभिवादन किया ओह क्या आप शूटिंग की मंगीदर हैं लू म्यारन ने काव्या को बड़ी दिलचस्पी से देखा वास्तव में वह इसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त थी वह जानती थी कि लेंग शाउटिंग की एक मंगेतर थी उसके दादाजी ने उसे इसके बारे में बताया लेकिन उसे पता चला कि यह विबो से काव्या थी अब वह न केवल लेंग शाउटिंग की प्रशंसक थी बल्कि काव्या की भी प्रशंसक थी काव्या केवल उन्नीस वर्ष की थी लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से सफल थी और अरबो युवाओं की संपत्ति वाली एक बड़ी कंपनी की मालिक थी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था हां मैं शूटिंग की मंगेतर हूँ काव्या काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया यह कोई आश्चर्यजनक उत्तर नहीं था लेकिन लुम्यावरन ने अपनी आवाज में काव्या की बहुत प्रशंसा की तुम मेरे आदर्श हो आप बहुत ही युवा उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति हैं धन्यवाद काव्या ने मुस्कुराते हुए तारीफ के लिए धन्यवाद दिया थोड़ी देर झिझकने के बाद लूम्यावरन ने पूछा ओम oh, काव्या चूंकि हम रिश्तेदार हैं क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं क्या हम वैचार पर दोस्त बन सकते हैं लुमियावरन बातूनी नहीं थी खासकर अजनबियों के सामने लेकिन काव्या के साथ उसका व्यवहार अलग था काव्या उनकी आदर्श थी और कोई भी प्रशंसक उनकी मूर्तियों को देखने के लिए उत्साहित होगा बिल्कुल काव्या ने मना नहीं किया जैसा कि लूमयावरन ने कहा वे रिश्तेदार थे इसलिए यह बहुत सामान्य था कि वे संपर्क में रहते थे यह सुनकर लूमयावरन बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत काव्या के साथ फ़ोन नंबर का आदान प्रदान किया ठीक है लेंग झोक्सवान ने एक इस्तीफा देने वाली मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया वह लूमयावरन के व्यवहार को समझता था क्योंकि उसने काव्या की उपलब्धियों के बारे में भी सुना था अन्य लोगों की भी यही भावना थी लेंग वेंजेन को छोड़कर उनमें से कोई भी लूम लूमयावरन के व्यवहार से आश्चर्यचकित नहीं था क्योंकि लेंग वेंजेन ने काव्या की उपलब्धियों के बारे में नहीं सुना था इसलिए उसे नहीं लगा कि वह प्रभावशाली थी हालांकि लूम लूमयावरन ने कहा कि काव्या एक युवा उपलब्धि हासिल करने वाली लड़की थी लेकिन लेंग वेंजेन ने नहीं सोचा था कि एक युवा लड़की के पास कई उपलब्धियां हो सकती हैं इसलिए लेंग वेंजेन की नजर में लूम लूमयावरन बस काव्या को खुश करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि काव्या लेंग शाउटिंग की मंगेतर थी वे सभी लेंग परिवार के रिश्तेदार थे लेकिन उनके परिवारों और लेंग परिवार के निकटतम परिवार की स्थिति के बीच एक बड़ा अंतर था उन्होंने लेंग परिवार का समर्थन किया और लेंग परिवार के प्रभाव पर भी भरोसा किया यदि लेंग परिवार ने अपने परिवार में से किसी एक को खो दिया तो लेंग परिवार को कोई परेशानी नहीं होगी लेकिन यदि उन्होंने लेंग परिवार को खो दिया तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा इसलिए लेंग वेंझेन को लेंग शाउटिंग से ईर्ष्या थी लेकिन उन्होंने लेंग शाउटिंग को कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की थोड़ी देर बाद सॉन्ग वेंगसुआन और उसका परिवार पहुंचे बड़ों का अभिवादन करने के बाद सॉन्ग वेंगसुआन काव्या और सौंग युओ के साथ अन्य लोगों से मिलने आया सॉन्ग यिनो उन्हें अकेले देखने जा सकता था लेकिन सॉन्ग वेंगसुआन को काव्या के साथ कुछ बात करनी थी जब सॉन्ग वेंगसुआन आगे बढ़ा तो सभी ने उसका स्वागत किया लेंग शॉक्सी ने तुरंत सॉन्ग यिनो को अपने साथ मस्ती करने के लिए खींच लिया काव्या क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है सॉन्ग वेंगसुआन ने कहा यह सुनकर सभी की नज़र काव्या पर पड़ी फिर सॉन्ग वेंगस्वान पर उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सॉन्ग वेंगस्वान काव्या के साथ निजी बातचीत करना चाहता था सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सॉन्ग वेंन काव्या के प्रति बहुत विनम्र था जरूर काव्या ने कहा शूटिंग हमारे साथ आओ सोंग वेंगसवान ने कहा हालांकि वह उनसे वरिष्ठ था और अगर वह चाहता तो काव्या के साथ निजी बातचीत कर सकता था वह कोई अफवाह नहीं फैलाना चाहता था इसलिए उसने लेंग शाउटिंग को उनके साथ शामिल होने के लिए कहा उसके बाद काव्या और लेंग शाउटिंग ने सौन्ग वेंगस्वान का पीछा किया जब वे भीड़ से दूर थे तो सॉन्ग वेंगस्वान ने कहा इस दौरान सिटी सी में कभी कभी संघर्ष हुआ है यह गंभीर नहीं है लेकिन परेशानी भरा है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यवस्थित है सच कहूं तो मैं ही लक्ष्य हूं मैं कुछ चीजों से व्यक्तिगत रूप से निपट सकता हूं लेकिन मैं उन सभी में शामिल नहीं हो सकता तो क्या आप कृपया मदद के लिए तियानिंग गैंग की ओर जाने में मेरी मदद करेंगी मैं उन्हें भुगतान करूंगा अंकल चिंता मत करो यह मुझ पर छोड़ दो मैं इसे संभाल सकता हूं काव्या झट से मान गई वह तियानिंग गिरोह की नेता थी और उन्हें उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था उनके लिए उनका उपयोग करना आसान नहीं हो सकता भले ही तियानिंग गैंग का स्वामित्व उसके पास नहीं था फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो वह सोंग व्यक्सुआन की मदद करने में संकोच नहीं करेगी जहां तक पारिश्रमिक की बात है काव्या ने इसे ठुकराया नहीं क्योंकि सोंग व्यक्सुआन को नहीं पता था कि काव्या तियानिंग गिरोह की नई नेता थी वास्तव में वह काव्या से मुफ्त में मदद करने के लिए नहीं कहेगा भले ही उसे पता हो कि वह अब तियानिंग गिरोह का नेतृत्व कर रही है इसके अलावा काव्या को अभी भी अपने आदेशों को पूरा करने के लिए तियानिंग गैंग को भुगतान करना होगा ताकि वह सौंग व्यंगसुआन से केवल कम शुल्क ले सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद सौंग व्यंगसुआन को राहत मिली और उसने काव्या को धन्यवाद दिया यह मेरे लिए खुशी की बात है काव्या ने कहा एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सोंग व्यक्सुवान तियानिंग गैंग के सदस्यों से सीधे नहीं मिल सकते थे अन्यथा अगर उनके राजनीतिक विरोधियों को पता चल गया तो वह मुसीबत में पड़ जाएंगे इसलिए काव्या सौंग वेनकसुवान से तियानिंग गैंग तक जानकारी पहुंचाती थी निजी बातचीत करने के बाद सौंग वेंगसुआन लिविंग रूम वापस चला गया वह बहुत लंबे समय तक नहीं जा सका काव्या और लेंग शाउटिंग गजेबों में लौट आए हालांकि अन्य लोग उनकी बातचीत के बारे में उत्सुक थे लेकिन उनमें से किसी ने नहीं पूछा जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी और एक के बाद एक मेहमान आते गए किन ये भी अपने माता पिता के साथ आई थी किन यी के मन में अभी भी लेंग शाउटिंग के लिए भावनाएं थी लेकिन वह उसे फिर से परेशान नहीं करेगी वह काव्या से ईर्ष्या करती थी लेकिन अब उससे नफ़रत नहीं करती थी आने के बाद उसने लेंग शाउटिंग काव्या और अन्य लोगों को देखा लेकिन वह वहां नहीं गई वह जब भी प्रेमी जोड़े को देखती तो दुखी हो जाती किन यी ने समझा कि जब वह लेंग परिवार के घर पार्टी में आई तो लेंग शाउटिंग और काव्या को देखना अपरिहार्य था लेकिन वह फिर भी अपने माता पिता के साथ आई थी वह अभी भी लेंग शाउटिंग को तब तक देखना चाहती थी जब तक उसके पास मौका था भले ही वह उसे केवल दूर से ही देख सकती थी और वे मुश्किल से एक दूसरे से बात करते थे किन यी को इतना परेशान देखकर उसके माता पिता आहत हुए हालांकि उन्हें हमेशा उम्मीद थी कि, कि किन यी को लेंग शाउटिंग का साथ मिल सकता है लेकिन वे उसे पसंद न करने के लिए लेंग शाउटिंग पर दबाव नहीं डाल सकते थे या उन्हें दोष नहीं दे सकते थे आखिरकार लेंग शाउटिंग ने कभी भी किन यी को चोट नहीं पहुंचाई थी यह किन यी ही था जो उसे भूल नहीं सका शाम छह बजे वेई लिंगफेंग के ठीक समय पर पहुंचने के साथ जन्मदिन की पार्टी शुरू हुई वेई लिंग परिवार के घर पहुंचने के बाद उन्होंने पहली बार काव्या को देखा क्योंकि काव्या के पास महाशक्तियां थी वेई लिंगफेंग ने उस पर विशेष ध्यान दिया लेकिन वेई लिंगफेंग के लिए काव्या के साथ बात करने का यह सही अवसर नहीं था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा काव्या को लगा कि वेई लिंगफेंग की नजरें उस पर हैं लेकिन वह उसके साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के लिए आगे नहीं बढ़ी वह केवल दूर खड़ी रही और विनम्रता से उसकी ओर देखकर मुस्कुराई आज लगभग सौ मेहमान उपस्थित थे लेकिन लेंग परिवार का बैठक कक्ष उन्हें ठहराने के लिए काफी बड़ा था हालांकि वहां ज्यादा सीटें नहीं थी फिर भी वे आराम से खड़े हो सकते थे और भोज एक बुफे था आमतौर पर मेहमान किसी पार्टी में ज्यादा नहीं खाते उन्होंने बस कुछ शराब पी और एक दूसरे से बातें की आखिरकार वे सभी लेंग परिवार के गुट के सदस्य थे इसलिए उनके बीच कोई संघर्ष नहीं था हो सकता है कि वे बस एक दूसरे से थोड़ी प्रतिस्पर्धा करें मेहमानों की स्थिति अलग अलग थी इसलिए निम्न स्थिति वाले लोग उच्च स्थिति वाले लोगों से ईर्ष्या करने से बच नहीं सकते थे हालांकि उन्होंने परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की जन्मदिन की पार्टी शुरू होने के बाद लेंग परिवार के सदस्यों ने अपने उपहार और शुभकामनाएं दी जिंग युनियाओं पहली थी क्योंकि वह लेंग परिवार के सबसे बड़े बेटे की पत्नी थी कमरे में मौजूद सभी लोगों को पता था कि वह मरी नहीं है लेकिन हकीकत में जिंग युनियाओं के साथ यह उनकी पहली मुलाकात थी जब जिंग युनियाओ मास्टर लेंग को उपहार देने के लिए खड़ी हुई तो मास्टर लेंग ने उसका परिचय सभी से कराया यह युआनहान की पत्नी है मैं जानता हूं कि आप सभी को सत्रह साल पहले मेरे परिवार के साथ हुई दुर्घटना के बारे में पता होना चाहिए मेरा बेटा लेंग युआनहान और मेरी बहू युनियाओ सत्रह साल पहले एक कार्य करते समय एक दुर्घटना में फंस गए थे घटना का जिक्र करते हुए मास्टर लेंग दुखी दिखे हम हमेशा मानते थे कि जो महिला लेंग युआनहान के साथ चट्टान से गिरी थी वह युनियाओ थी लेकिन हम पिछले साल सहयोग से उससे मिले तब पता चला कि वह मरी नहीं थी वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी लेकिन सौभाग्य से एक दयालु व्यक्ति ने उसे बचा लिया इलाज के बाद वह तो बच गई लेकिन उनकी यादें खम हो गई जब तक हम उससे नहीं मिले और उन्हें वापस पाने में उसकी मदद नहीं की तब तक उसकी यादें वापस नहीं आईं उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया लेकिन उनके लिए कहानी को संक्षेप में बताना आवश्यक था अन्यथा मेहमान सोच सकते थे कि जिंग युनियाओं ने लेंग परिवार में लौटने से इनकार कर दिया है कहानी सुनने के बाद जिंग युनियाओं के अनुभव से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया फिर लेंग युआनकियान और उनकी पत्नी ने मास्टर लेंग को अपने उपहार और शुभकामनाएं दी लेंग युआनजेन और उनकी पत्नी ने उनका अनुसरण किया थोड़ी देर बाद मास्टर लेंग के पोते पोतियों की बारी थी इसलिए लेंग शाउटिंग और काव्या ने इसे शुरू किया काव्या की अभी औपचारिक रूप से लेंग शाउटिंग से सगाई नहीं हुई थी लेकिन लेंग परिवार ने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया था भावी पोती के रूप में उसे लेंग शाउटिंग के साथ मिलकर ऐसा करना चाहिए बहुत से लोगों ने सुना था कि लेंग शाउटिंग की एक मंगेतर थी लेकिन आज काव्या को देखने तक उन्हें नहीं पता था कि वह कौन है बहुत से लोग काव्या की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते थे इसलिए जब लेंग शाउटिंग और काव्या ने उन्हें अपना उपहार भेजा तो मास्टर लेंग ने उनका परिचय कराया कृपया मैं आपका परिचय करा दूं यह मेरे सबसे बड़े पोते की मंगेतर काव्या है वह एक बहुत ही उत्कृष्ट लड़की है जिसने केवल 18 वर्ष की उम्र में एक कंपनी शुरू की एक साल के भीतर ही वह अविश्वसनीय रूप से सफल हो गई वह अब साल की सबसे मशहूर बिजनेस वुमन है उनका उद्यम शेंगनिंग संगठन है जो इतिहास में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा है मास्टर मास्टरलिंग ने कहा यह सार्वजनिक रूप से ज्ञात था कि काव्या शेंगनिंग संगठन की अध्यक्ष थी इसलिए यह कोई रहस्य नहीं था डॉट कॉम जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया क्या ज्यादातर लोग यह तो जानते थे कि शेंगनिंग संस्था कम समय में ही काफी सफल हो गई है लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि काव्या इसकी अध्यक्ष थी यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह केवल बीस वर्ष की लग रही थी अगर उन्होंने इसके बारे में सुना होता तो भी उन्हें इस पर विश्वास नहीं होता इसलिए वे पूरी तरह से चौंक गए यीशु यह अद्भुत है लेंग वेंझेन ने नहीं सोचा था कि काव्या प्रभावशाली थी लेकिन अब उसे अपना मन बदलना पड़ा काव्या अविश्वसनीय थी मिस काव्या एक युवा उपलब्धि हासिल करने वाली लड़की है सही है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी कोई इससे बेहतर कर सकता है शेंगनिंग संगठन वह उद्यम है जिसने सबसे तेज़ी से विकास किया है जैसा मैंने कभी देखा है सभी ने काव्या की तारीफ़ की हालांकि अधिकांश मेहमान वरिष्ठ अधिकारी थे और काव्या सिर्फ़ एक व्यवसायी महिला थी फिर भी वे सभी उसकी प्रशंसा करते थे काव्या केवल 19 वर्ष की थी और फिर भी उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था जो कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और वह सिटी बी में तांग परिवार की पोती और तांगहुआम के अध्यक्ष की बेटी भी है मास्टर लेंग ने जारी रखा जिसे सुनकर हर कोई फिर हैरान रह गया उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काव्या सिटी बी में तांग परिवार की पोती और तांगहुआम के अध्यक्ष की बेटी होगी क्या काव्या को इतनी जल्दी एक सफल कंपनी बनाने में टैन परिवार से मदद मिली हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए यदि काव्या टैंग परिवार की सदस्य थी तो उसका उपनाम टैंग क्यों नहीं था क्या काव्या तांग यूनफान की नाजायज बेटी थी कोई बात नहीं चूंकि मास्टर लेंग ने कहा था कि काव्या तांग यूनफान की बेटी थी इसलिए उसे होना भी चाहिए उस स्थिति में शेंगनिंग संगठन को इतनी तेजी से विकास करने के लिए तांग परिवार पर भरोसा करना पड़ा होगा उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह अविश्वसनीय था कि शेंगनिंग संगठन इतनी तेजी से विकसित हो सकता है और इसकी संस्थापक एक उन्नीस वर्षीय युवा लड़की भी थी लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया कि इतना सफल होने के लिए उसने तान परिवार पर भरोसा किया था इसलिए कई लोगों को काव्या की क्षमताओं पर संदेह था हालांकि मास्टर लेंग के चेहरे की खातिर उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा मास्टर लेंग समझ गए कि उनके ऐसा कहने के बाद मेहमान काव्या की क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं लेकिन यह सच था कि काव्या तान परिवार की सदस्य थी यह कोई रहस्य नहीं था लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं जानते थे बाद में मास्टर लेंग ने समझाया मुझे पता है कि आप सोच सकते हैं कि शेंगलिंग संगठन के विकास का तांग परिवार से बहुत कुछ लेना देना है लेकिन मैं आपके साथ ईमानदार हो सकता हूँ शेंगलिंग संगठन इतना सफल होने के लिए पूरी तरह से काव्या की अपनी क्षमताओं पर निर्भर था किसी के लिए बिजनेस करने के लिए कनेक्शन बहुत जरूरी होते हैं लेकिन काव्या ने अपने कनेक्शन खुद ही जमा किए वास्तविक क्षमताओं के बिना कोई भी कंपनी का अच्छी तरह से निर्माण नहीं कर सकता है यहाँ प्रत्येक अतिथि का करियर सफल है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि समर्थन पर्याप्त नहीं है यदि आपके पास कौशल नहीं है तो कोई भी आपका समर्थन नहीं करेगा यह सुनकर सभी को एहसास हुआ कि काव्या उनकी सोच से कहीं बेहतर थी और उन्होंने उसकी क्षमताओं पर संदेह करना बंद कर दिया ठीक है उन सभी का करियर सफल रहा है इसलिए उन्हें अन्य लोगों की तुलना में नियमों को बेहतर तरीके से जानना चाहिए हालांकि बहुत से लोग दूसरे लोगों की बातों पर सवार होकर सफल हो गए लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं बन सके और जल्द ही अपनी सफलता खो देंगे चाहे व्यवसाय में हो या राजनीति में किसी की क्षमताएं सबसे अधिक मायने रखती है यदि काव्या कंपनी को इतनी बड़ी सफलता तक ले जा सकती है तो वह अक्षम नहीं हो सकती कुछ लोगों को अभी भी उसकी क्षमताओं पर संदेह हो सकता है लेकिन वे इसे जोर से नहीं कहेंगे इस समय तान युनफान बाहर खड़ी हुई और बोली मुझे लगता है कि आपने अभी सुना है कि काव्या मेरी बेटी है हालांकि उसका उपनाम टैंग के बजाय गु है उसके जन्म से पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं उसकी मां से अलग हो गया था इसलिए उनका उपनाम उनकी मां के समान ही था हम पिछले साल तक दोबारा नहीं मिले तब तक काव्या कई कंपनियां खड़ी कर चुकी थी उसने अभी तक उन्हें शेंगनिंग संगठन में विलय नहीं किया था टैंग परिवार ने वास्तव में शेंगनिंग संगठन का समर्थन नहीं किया है इसके विपरीत एक बार एक कार दुर्घटना के बाद मैं कोमा में पड़ गया और किसी ने मेरी स्थिति चलाने की कोशिश की सौभाग्य से काव्या ने मुझे बुरे आदमी से छुटकारा पाने में मदद की और ताम परिवार को हमारी संपत्ति खोने से रोका इसके अलावा मुझे यकीन है कि आपने इंटरनेट पर काव्या के बारे में ख़बरें पढ़ी होंगी इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वह बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है टांग यूनफान नहीं चाहती थी कि अन्य लोग काव्या की क्षमताओं पर संदेह करें क्योंकि यह उसके लिए अनुचित था टैन परिवार शेंगनिंग संगठन के विकास में शामिल नहीं था और काव्या से श्रेय नहीं चुराएगा टैन यूनफान का स्पष्टीकरण सुनने के बाद वहां के लोगों को अंतः विश्वास हो गया कि काव्या एक प्रतिभाशाली व्यवसायी महिला थी अब वे इंटरनेट पर उसके बारे में और अधिक जानना चाहते थे लेकिन वे मास्टर लेंग की जन्मदिन की पार्टी में थे अभी उनके लिए फोन पर खेलना ठीक नहीं था उसके बाद उन्होंने काव्या के बारे में बात करना बंद कर दिया लेकिन उन्होंने उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया तब लेंग शाओमिंग ने मास्टर लेंग के लिए अपना उपहार प्रस्तुत किया लेंग परिवार के रिश्तेदारों के उपहार भेजने के बाद मेहमानों की बारी थी अधिकांश अधिकारी थे इसलिए उन्होंने महंगे उपहार नहीं खरीदे लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई अधिकारी अमीर नहीं थे जब तक कि उनके परिवारों के पास कोई व्यवसाय न हो यदि उन्होंने कोई बहुत महंगा उपहार निकाला तो अन्य लोग सोच सकते हैं कि उन्होंने रिश्वत ली है उपहार और शुभकामनाएं भेजने के बाद वे घूम सकते थे और आनंद ले सकते थे वे लिंगफेंग की विशेष स्थिति के कारण वह लंबे समय तक नहीं रह सका इसलिए उसने मास्टर लिंग को अपना उपहार देने के बाद खुद को माफ कर दिया जब वे लिंगफेंग बाहर चला गया तो काव्या की नजर उस पर पड़ी और उसने उसका काला माथा देखा काव्या ने इसे देखा और लिंग शूटिंग ने भी देखा उन्होंने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ एक दूसरे पर नजर डाली मुझे जाने दो काव्या ने कहा क्यूंकि उसने देखा कि वेई लिंगफेंग मुसीबत में है इसलिए उसे कुछ करना होगा इसे मेरे ऊपर छोड़ दो लेंग शूटिंग ने कहा उसे काव्या की क्षमताओं की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी लेकिन वह काव्या पर बोझ नहीं डालना चाहता था यह ठीक है यह दादाजी लेंग की जन्मदिन की पार्टी है सबसे बड़े पोते के रूप में आपको अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए बस मुझे इससे निपटने दो यह कठिन नहीं होना चाहिए काव्या ने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके लिए समस्या को स्वयं हल करना आसान था ठीक है तुम्हें सावधान रहना चाहिए यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे कॉल करें काव्या ने लेंग शूटिंग को समझाया लेकिन फिर भी उसे सावधान रहने की याद दिलाई हालांकि उसे विश्वास था कि काव्या ठीक हो जाएगी फिर भी उसे उसे सावधान रहने की याद दिलाने की जरूरत थी मुझे पता है मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है काव्या ने सिर हिलाया फिर वे लिंगफेंग के पीछे पीछे चली गई क्योंकि अभी भी जल्दी थी अन्य मेहमान नहीं गए और वे लिंगफेंग के अंगरक्षकों को छोड़कर बाहर कोई नहीं था काव्या के बाहर जाने के बाद उसने वेई लिंगफेंग को फोन किया राष्ट्रपति वेई एक सेकंड रुके उसकी आवाज़ सुनकर वेई लिंगफेंग रुक गए वह मुड़ा और काव्या की ओर देखकर मुस्कुराया मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं मिस काव्या राष्ट्रपति जी क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं वेई लिंगफेंग के बगल में दो अंगरक्षक थे लेकिन काव्या उन्हें उनकी बातचीत सुनने नहीं दे सकती थी इसलिए उसे उसके साथ चलने की जरूरत थी जरूर वेई लिंगफेंग सहमत हुए फिर उसने अपने दो अंगरक्षकों को उसका इंतज़ार करने के लिए कहा और वह काव्या के साथ साइड में चला गया जब उनके आसपास कोई नहीं था तो काव्या ने धीमी आवाज में कहा मिस्टर राष्ट्रपति महोदय मैंने अभी आपका काला माथा देखा मुझे चिंता है कि घर वापस लौटते समय आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको वापस भेज सकता हूँ यह सुनिश्चित करने के बाद कि आप सुरक्षित हैं मैं चला जाऊंगा हालांकि वेई लिंगफेंग की ओर से दो अंगरक्षक शीर्ष स्तर के थे और पेशेवर हथियारों को हरा सकते थे काव्या को डर था कि वे लिंगफेंग का सामना ऐसे अजीब प्राणियों से हो सकता है जो मानव नहीं थे वेई लिंगफेंग आश्चर्यचकित थे हालांकि क्योंकि वह जानता था कि काव्या के पास महाशक्तियां हैं इसलिए उसे उसकी बातों पर संदेह नहीं हुआ बेशक बहुत बहुत धन्यवाद मिस काव्या वेई लिंगफेंग ने कहा उसने नहीं सोचा था कि काव्या उसे नुकसान पहुंचाएगी उसके बाद काव्या ने वेई लिंगफेंग का पीछा किया और उसकी कार में बैठ गई वेई लिंगफेंग की कार में पांच सीटें थी वह दो अंगरक्षकों और एक चालक सहित तीन लोगों के साथ आया था हालांकि वह एक ड्राइवर था फिर भी वह दोनों अंगरक्षकों से कमजोर नहीं था और वह गाड़ी चलाने में बहुत अच्छा था वह एक रेस कार ड्राइवर जितना अच्छा था काव्या वेई लिंगफेंग के साथ पीछे बैठी थी वे लिंगफेंग बीच में बैठे थे जबकि काव्या और एक अंगरक्षक उनके बगल में बैठे थे वे लिंगफेंग के अंगरक्षकों को नहीं पता था कि काव्या वेई लिंगफेंग के साथ क्यों जाएगी लेकिन उन्होंने नहीं पूछा वेई लिंगफेंग को एक कारण से ऐसा करना पड़ा लिंग परिवार के घर और झोंघाई गार्डन के बीच एक लंबी दूरी थी क्योंकि एक उपनगर में था जबकि दूसरा शहर में था एक बार जब वे लिंग परिवार के घर से बाहर थे तो काव्या ने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए अपनी जेड आंखों का उपयोग किया वेई लिंगफेंग भी सतर्क रहे हालांकि वह जानता था कि काव्या की सुरक्षा से उसे कोई नुकसान नहीं होगा फिर भी वह आराम नहीं कर सकता था और सब कुछ उस पर नहीं छोड़ सकता था लिंग परिवार के घर से लेकर शहरी क्षेत्र तक बिना किसी इमारत के जंगली भूमि का एक बड़ा टुकड़ा था जैसे ही वे सड़क के इस हिस्से में पहुंचे काव्या को लगा कि दो दुष्ट लोग वे लिंगफेंग को निशाना बना रहे होंगे हालांकि वे दुष्ट कृषक नहीं थे न ही राक्षस या भूत बल्कि वे निंजा थे निंजा दुष्ट कृषकों राक्षसों या भूतों की तरह आक्रामक नहीं थे काव्या ने तुरंत दोनों निंजाओं की ओर देखा उसने देखा कि काले कपड़े और काला नकाब पहने दो आदमी उनसे कुछ ही दूरी पर घास पर बैठे अपनी दिशा में देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वे लिंगफेंग की कार पास आएगी वे बाहर कूद जाएंगे कृपया ड्राइवर को रुकने के लिए कहें काव्या ने वे लिंगफेंग से कहा काव्या ने सीधे तौर पर ड्राइवर को रुकने के लिए नहीं कहा बल्कि वे लिंगफेंग को ऐसा करने के लिए कहा वे लिंगफेंग की विशेष स्थिति के कारण अगर वह सीधे ड्राइवर से रुकने के लिए कहती तो ड्राइवर उसकी बात नहीं सुनता उन्होंने केवल वेई लिंगफेंग के आदेशों का पालन किया कार रोको वेई लिंगफेंग ने तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया फिर उसने काव्या से पूछा तुम्हें क्या मिला मैंने कुछ गलत देखा बस कार में ही रहो बाहर मत निकलो काव्या ने कहा ज़रूर वेई लिंगफेंग ने उत्तर दिया तभी ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोल दिया और काव्या तुरंत बाहर निकल गई इस बार ड्राइवर ने वेई लिंगफेंग की राय नहीं पूछी क्योंकि वेई लिंगफेंग पहले ही काव्या को इसे संभालने देने के लिए सहमत हो गए थे वेई लिंगफेंग के लिए काम करने के लिए उसे स्मार्ट होने की जरूरत थी उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए हालांकि काव्या के साथ वेई लिंगफेंग की बातचीत सुनने के बाद उन्हें पता था कि कुछ बुरा हो सकता है इसलिए उन्होंने अपने परिवेश पर बहुत ध्यान दिया काव्या के जाने के बाद वेई लिंगफेंग के पास बैठे अनरक्षक ने पूछा राष्ट्रपति वेई क्या हो रहा है हालांकि उन्हें हर चीज़ के बारे में नहीं पूछना चाहिए लेकिन कभी कभी उनके लिए स्थिति जानना जरूरी होता है उदाहरण के लिए वे एक खतरनाक स्थिति में लग रहे थे लेकिन उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ था वे काव्या पर शक नहीं कर रहे थे आखिरकार वेई लिंगफेंग ने उस पर बहुत भरोसा किया अगर उन्हें काव्या पर संदेह था तो इसका मतलब था कि वे वेई लिंगफेंग पर विश्वास नहीं करते थे मैं भी नहीं जानता कि यह क्या है हमें बस कुछ समय के लिए इसका निरीक्षण करने की जरूरत है वेई लिंगफेंग ने कहा उसने काव्या पर भरोसा किया और कुछ गलत होना ही था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था यह सुनकर अंगरक्षक ने पूछना बंद कर दिया वैसे भी घटना कुछ सेकेंड बाद ही घटी हालांकि वेई लिंगफेंग की कार बैठे हुए निंजाओं से लगभग 20 मीटर की दूरी पर खड़ी थी लेकिन उन्होंने पहले ही पहचान लिया था कि यह वेई लिंगफेंग की कार थी वे नहीं जानते थे कि वेई लिंगफेंग की कार अचानक क्यों रुक गई लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि वेई लिंगफेंग ने उन पर ध्यान दिया था अगर उसने ऐसा किया भी तो इसका उनके कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसके बजाय चूंकि वेई लिंगफेंग की कार रुक गई इसलिए उनके लिए कार्रवाई करना अधिक सुविधाजनक था परिणाम स्वरूप वेई लिंगफेंग की कार रुकने के ठीक बाद दो निंजा प्रकट हुए पलक झपकते ही दो लोग वेई लिंगफेंग की कार के सामने आ गए उनकी गति ने वेई लिंगफेंग और अन्य को आश्चर्यचकित कर दिया लेकिन वेई लिंगफेंग जल्द ही शांत हो गए आखिरकार वह महाशक्तियों और राक्षसों वाले लोगों के अस्तित्व के बारे में जानता था इसलिए उनकी गति देखकर उसने अनुमान लगाया कि वे सामान्य लोग नहीं थे यह देखकर वेई लिंगफेंग के अंगरक्षक कार से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन वेई लिंगफेंग ने उन्हें रोक दिया कोई जरूरत नहीं काव्या इसे संभाल सकती है यह सुनकर उनके अंगरक्षक रुके लेकिन वे चिंतित थे क्या काव्या सचमुच इसे अकेले संभाल सकती थी आखिरकार दो लोग कितने अजीब लग रहे थे वैसे भी जब से वेई लिंगफेंग ने कहा कि वे उसकी बात सुनेंगे ऐसा लग रहा था कि उसे काव्या पर बहुत भरोसा था तो काव्या को बहुत मजबूत होना चाहिए जब दोनों निंजा वेई लिंगफेंग की कार के सामने पहुंचे तो काव्या ने उन्हें करीब जाने से रोक दिया किसी ने कुछ नहीं कहा बल्कि सीधे मारपीट पर उतारू हो गए दोनों निंजाओं के हाथों में लंबे चाकू थे जबकि काव्या के पास कुछ भी नहीं था इसके अलावा दोनों निंजा उच्च स्तर पर थे हालांकि दुर्भाग्य से वे अभी भी काव्या से तुलनीय नहीं थे इसलिए उनके पास हथियार होने के बावजूद वे जल्दी ही नुकसान में थे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वेई लिंगफेंग के पक्ष में इतना मजबूत व्यक्ति होगा और वह एक युवा लड़की थी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वेई लिंगफेंग को बहुत हल्के में लिया चूंकि वे जीत नहीं सकते थे इसलिए वे लड़ने में अधिक समय बर्बाद करने को तैयार नहीं थे अगर वे अभी नहीं गए तो निश्चित रूप से हार जाएंगे हालांकि काव्या उन्हें भागने नहीं देगी उसने तुरंत उन्हें रोका क्योंकि उनके कौशल के बीच बहुत बड़ा अंतर था काव्या के उनके रास्ते में आने के बाद वे बच नहीं सकते थे भले ही उन्होंने अदृश्य होने की कोशिश की फिर भी काव्या उन्हें तुरंत घायल करने में सक्षम थी वे लिंगफेंग तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि दो निंजा अदृश्य हो सकते हैं और काव्या अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ी वेई लिंगफेंग के अंगरक्षकों को महाशक्तियों राक्षसों और भूतों वाले लोगों के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था इसलिए यह पहली बार था कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा था इसलिए उनके लिए यह समझना कठिन था हालांकि वेई लिंगफेंग को महाशक्तियों वाले लोगों के अस्तित्व के बारे में पता था लेकिन उन्होंने पहले उनकी क्षमताओं को नहीं देखा था इसलिए उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ लेकिन वह स्थिति को समझ रहा था गनीमत यह रही कि उस समय वहां कोई ट्रैफ़िक नहीं था नहीं तो यह दृश्य वायरल हो जाता तो सनसनी फैल जाती वे लिंकफेंग इस खबर को विदेश जाने से रोक सकते थे लेकिन बेहतर होगा कि कम लोग इसके बारे में जाने दरअसल जब वे लड़ रहे थे तो कई कारें वहां से गुजरी लेकिन उनमें से कोई भी नहीं रुकी इसके बजाय वे तेज़ी से आगे बढ़े और तुरंत चले गए इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता कि यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी आम लोगों की तरह अगर वे आगे बढ़ते तो उन्हें मुसीबत में धसीता जा सकता था जब दोनों निंजा काव्या को चोट पहुंचाने में असफल रहे भले ही उन्होंने खुद को अदृश्य बना लिया था तब उन्हें एहसास हुआ कि काव्या कोई साधारण लड़की नहीं थी साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि वे आज बच नहीं सकते चूंकि वे भाग नहीं सकते थे इसलिए वे पकड़े न जाने की पूरी कोशिश करेंगे तदनुसार उन्होंने खुद को चाकुओं से गोद कर मारने का फैसला किया इस तरह उन्होंने अपनी वफादारी साबित की अपने कार्य को पूरा करने में असफल होने के बाद वे आत्महत्या कर लेते थे हालांकि काव्या उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देगी यदि वे मर गए होते तो वह मास्टर को ढूंढने और पकड़ने में सक्षम नहीं होती हालांकि वे उसे यह बताने से इनकार कर देंगे कि मास्टरमाइंड कौन था लेकिन काव्या उन्हें अभी मरने नहीं देगी परिणाम स्वरूप काव्या ने उन पर प्रहार करने के लिए अपनी जादुई ऊर्जा का उपयोग किया इससे पहले कि चाकू उनके शरीर को छूते उन पर जोरदार प्रहार किया गया जिससे उनका चाकू छूट गया यह देखकर वे लिंगफेंग और अन्य लोग फिर से चौंक गए क्योंकि काव्या ने उन दोनों व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं छुआ फिर भी वे दोनों व्यक्ति सीधे नीचे गिर गए यह कुफू एक्शन शो दृश्य जैसा था वे लिंगफेंग और उनके अंगरक्षकों के मन में एक विचार आया क्या यह संभव था कि काव्या कुंफू मास्टर थी हालांकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है लेकिन यह समझाना कठिन था कि काव्या दो व्यक्तियों को बिना छुए कैसे भगाने में कामयाब रही काव्या ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वहां से कोई ट्रैफिक नहीं गुजर रहा था यदि केवल वे लिंगफेंग और उनके अंगरक्षकों को पता होता तो यह कोई समस्या नहीं होती लेकिन यदि अन्य लोगों ने भी इसे देखा तो यह परेशानी का कारण होगा दोनों निंजा आश्चर्यचकित थे उन्होंने एक्शन शो कुंग फू मास्टर्स के बारे में भी सोचा उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह वास्तविक था लेकिन वे सामान्य लोग भी नहीं थे इसलिए उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया दुर्भाग्य से चाहे वे कितना भी मरना चाहे वे खुद को नहीं मार सके वे अत्यंत निराशा में थे एक बार जब काव्या को यकीन हो गया कि दोनों निंजा वापस नहीं लड़ सकते तो वह कार में लौट आई और वे लिंगफेंग से कहा ठीक है अब हम उन्हें ले जा सकते हैं यह सुनकर वेई लिंगफेंग ने तुरंत अपने अंगरक्षक को व्यवस्था करने का आदेश दिया बाद में काव्या ने दोनों अंगरक्षकों को कार से बाहर निकलने और दोनों निंजाओं पर नजर रखने के लिए कहा वेई लिंगफेंग कार में रुके रहे क्योंकि काव्या उनसे निजी बातचीत करना चाहती थी जब दोनों अंगरक्षक चले गए तो काव्या ने सीधे वेई लिंगफेंग से कहा मिस्टर अध्यक्ष महोदय वे देश आर के निंजा है निंजाओं के पास भी महाशक्तियां हैं इसलिए वे सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत है निंजा हथियारों के समान ही है लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे किसी निजी संगठन या किसी देश से संबंधित हैं वैसे भी चूंकि वे कंट्री आर से हैं इस हत्या का कंट्री आर से कुछ लेना देना होना चाहिए मैंने उन्हें खुद को मारने से रोका लेकिन वे हमारे द्वारा पकड़े जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे इसलिए हमारे लिए उनसे कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त करना कठिन हो सकता है यदि उन्हें जीवित छोड़ दिया गया तो इससे हमें ही परेशानी होगी जब तक उनके पास पर्याप्त समय होगा वे फिर से ऊर्जा से भर जाएंगे उस समय मुझे डर है कि तुम उन्हें पकड़ नहीं पाओगे इसलिए यदि आपको उनसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकती है तो बेहतर होगा कि आप परेशानी से बचने के लिए उन्हें मार दें क्योंकि दो देश शामिल थे काव्या खड़े होकर पूछताछ में उनकी मदद नहीं कर सकी इसके अलावा दोनों निंजा उनके द्वारा पकड़े जाने के बजाय खुद को मार डालना पसंद करेंगे इसलिए उनके लिए कोई भी उपयोगी जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव होगा बहुत बढ़िया मैं समझता हूँ आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वेई लिंगफेंग ने काव्या को कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद दिया अगर काव्या न होती तो शायद वह मारा गया होता यह मेरा सौभाग्य है राष्ट्रपति महोदय काव्या ने कहा यह तथ्य कि उसने राष्ट्रपति की जान बचाई थी बड़ी बात थी लेकिन उसे विनम्र रहना चाहिए काव्या ने आगे कहा इस बार असफल होने के बाद मुझे डर है कि वे फिर से प्रयास करेंगे निंजा मजबूत है लेकिन हम फिर भी उन्हें हरा सकते हैं इसलिए आपको संभवतः अपनी सुरक्षा के लिए दो और अंगरक्षकों को नियुक्त करना चाहिए मुझे लगता है कि चार मजबूत लोगों को दो निंजाओं से निपटने में सक्षम होना चाहिए बहुत बढ़िया मैं और अधिक अंगरक्षक लाऊंगा वेई लिंगफेंग ने कहा अपनी सुरक्षा के लिए वेई लिंगफेंग ने काव्या की सलाह मान ली ओह मेरे पास एक विशेष औषधि है यह लगभग सभी बीमारियों घावों और दर्द को ठीक कर सकता है जिसमें चाकू तलवार बंदूक और अंदर और बाहर की चोटों से होने वाले घाव भी शामिल है यह कैंसर को भी ठीक कर सकता है रेड फ्लेम के सभी सदस्यों के पास कार्य करते समय अपनी जान गंवाने से रोकने के लिए यह है यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ दे सकता हूँ यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इसके बारे में शूटिंग से पूछ सकते हैं काव्या ने कहा काव्या वे लिंगफेंग की बिना शर्त मदद करेगी क्योंकि वह उनके देश के राष्ट्रपति थे और उनके पास लिंग शाउटिंग की वफादारी थी यह अविश्वसनीय लगता है वे लिंगफेंग आश्चर्यचकित थे हालांकि यह सामान्य था कि जब उसे पता चला कि काव्या के पास महाशक्तियां हैं तो अजीब चीजें हुई यह पहली बार था कि उसने इतनी प्रभावी दवा के बारे में सुना था इसलिए वह चौंक गया सही काव्या ने उत्तर दिया भले ही मुझे आप पर विश्वास न हो मैं शाउटिंग पर भरोसा कर सकता हूँ वेई लिंगफेंग ने कहा वेई लिंगफेंग ने लेंग शाउटिंग और लेंग परिवार पर भरोसा करने के कारण काव्या पर भरोसा किया काव्या को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वेई लिंगफेंग ने केवल लेंग शाउटिंग के साथ अपने रिश्ते के कारण उस पर भरोसा किया था आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी उसका संदेह होना स्वाभाविक था बाद में काव्या ने वेई लिंगफेंग को दस पावर क्रिस्टल चीनी मिट्टी की बोतल दी और उन्हें समझाया कि उन्हें कैसे लेना है हालांकि उन्होंने दो निंजाओं को पकड़ लिया था फिर भी काव्या ने दोनों निंजाओं को ले जाने के बाद वे लिंगफेंग को झोंघहाई गार्डन में भेज दिया फिर वे लिंगफेंग ने अपने लोगों के लिए काव्या को लिंग परिवार के घर वापस ले जाने की व्यवस्था की काव्या ने उसकी दयालुता स्वीकार कर ली जब काव्या चली गई तो वेई लिंगफेंग ने अपने अंगरक्षकों से कहा इसे गुप्त रखो किसी और को मत बताना जरूर अंगरक्षकों ने सिर हिलाया श्री अध्यक्ष महोदय क्या मैं पूछ सकता हूं कि वे दोनों व्यक्ति कौन है और लड़की का नाम काव्या है एक अंगरक्षक ने कहा ठीक है ऐसे लोग हैं जिनके पास महाशक्तियां हैं हम भले ही उन्हें न जानते हों लेकिन उनमें ऐसी शक्तियां हैं जो आम लोगों की कल्पना से भी परे हैं आपने इसे आज ही देखा लेकिन यह मैं भी पहली बार देख रहा हूं इसलिए मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है शायद ऐसी चीजें हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते वे लिंगफेंग ने उन्हें बताया कि वह क्या जानता था क्योंकि वे उसके लोग थे और वह उन पर भरोसा कर सकता था इसके अलावा वे उनके अंगरक्षक थे यदि वह उन्हें नहीं बताता तो वे उसकी उचित सुरक्षा नहीं कर पाते भले ही दोनों अंगरक्षकों ने दोनों निंजाओं और काव्या के बीच अंतर देखा फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पास महाशक्तियां हैं आज वे जिस दौर से गुजरे हैं उसके बाद उन्हें दुनिया की बिल्कुल नई समझ होगी काव्या ने वे लिंगफेंग को झोंगहाई गार्डन में वापस भेजने और फिर लेंग परिवार के घर लौटने में दो घंटे बिताए इसलिए जब वह वा अंतः वापस आई तो मेहमान ज्यादातर चले गए थे केवल लेंग परिवार के रिश्तेदार मास्टर जू और जियांग झोंग ही रुके थे उनका लेंग परिवार के साथ सबसे करीबी रिश्ता था इसलिए वे अंत तक बने रहे लेंग परिवार तांग हाईफेंग और तांग युनफान को पता था कि काव्या एक समस्या से निपटने के लिए गई थी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में यह क्या था लेंग शाउटिंग ने उन्हें कोई विवरण नहीं बताया उसने उन्हें केवल इतना बताया कि काव्या कुछ समय के लिए बाहर रहेगी टैग हेफेंग ने इस्तीफा देते हुए कहा काव्या हर दिन बहुत व्यस्त रहती है आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है लेकिन वह अभी भी व्यस्त है वह काव्या को दोष नहीं दे रहा था लेकिन उसे लगा कि वह और अधिक आराम कर सकती है वह हाल ही में बहुत व्यस्त थी यदि काव्या का पालन पोषण टैंग परिवार में हुआ होता तो उसे इतनी कम उम्र में व्यवसाय शुरू करने की आवश्यकता नहीं होती ठीक है वह अपने कंधों पर बहुत कुछ लेकर चलती है लेकिन उसके अपने विचार हैं हमें उसे नहीं रोकना चाहिए इसके बजाय हमें सहायक होना चाहिए लेकिन मुझे यह भी उम्मीद है कि वह और अधिक आराम कर सकती है उसे हर दिन इतना व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है मास्टर लिंग ने कहा उन्हें काव्या के इतने उत्कृष्ट होने पर गर्व था लेकिन यह भी आशा थी कि वह एक आसान जीवन जी सकेगी फिर भी यह उसकी पसंद थी और वे केवल सहायक हो सकते थे सही है मुझे याद है जब मैं काव्या से मिला था तो मैं उसे अपने पोते के साथ स्थापित करना चाहता था लेकिन तब उसका पहले से ही एक प्रेमी था अगर उसका बॉयफ्रेंड कोई और होता तो शायद मैंने उन्हें अलग करने की कोशिश की होती लेकिन वह आदमी शोटिंग निकला इसलिए मैंने हार मान ली यह सचमुच शर्म की बात है जियांग झोंगू ने कहा हालांकि उनका पोता एक बहुत ही उत्कृष्ट युवक था फिर भी उसकी तुलना लेंग शाउटिंग से नहीं की जा सकती थी यहां तक कि उन्होंने लेंग शाउटिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने का विचार भी त्याग दिया क्योंकि वे केवल खुद को शर्मिंदा करेंगे यह सुनकर लेंग शूटिंग थोड़ा असहज हो गए वह पागल नहीं था लेकिन इस बात से दुखी था कि उसकी लड़की को भी दूसरे लोग चाहते थे यह समझ में आने योग्य था क्योंकि काव्या इतनी प्रभावशाली थी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था लेकिन काव्या उसकी लड़की थी और वह किसी को भी उसे उससे चुराने की इजाज़त नहीं देता था मास्टर लेंग ने गर्व से कहा ठीक है मेरा पोता अधिक आकर्षक है काव्या केवल शूटिंग चाहती है उन्होंने ऐसा कहा मानो यह लेंग शाउटिंग का सम्मान था कि काव्या ने उन्हें चुना लेंग शाउटिंग ने इसे नहीं सुना लेकिन अगर उसने इसे सुना तो भी वह पागल नहीं होगा क्योंकि उसने भी ऐसा सोचा था जब वह काव्या के साथ था तो वह अंधराष्ट्रवादी नहीं था वह यह नहीं सोचते थे कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी लड़की के साथ गलत व्यवहार किया जाए ताकि वह अपना चेहरा बचा सके वह काव्या से कमतर होने से खुश था और उसके लिए अपना चेहरा भी त्याग सकता था यह सच्चा प्यार था वह काव्या से बहुत गहराई से प्यार करता था और उसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी मानता था मास्टर जू वास्तव में जियांग झोंग्यू के समान ही सोचते थे लेकिन उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा अन्यथा मास्टर मास्टरलेंग बहुत घमंडी हो जाते हालांकि मास्टर मास्टरलेंग ने यह मौका नहीं छोड़ा और सीधे तौर पर इसकी ओर इशारा किया मुझे याद है कि जू ने भी काव्या को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी मास्टर मास्टरलेंग के समाप्त होने से पहले मास्टर जू ने हस्तक्षेप किया लेंग चीज़ों को उत्तेजित मत करो मेरा यह विचार था लेकिन मेरे पोते के पास अब एक बहुत अच्छी लड़की है मुझे उसकी पसंद पसंद है मेरे पोते की प्रेमिका भी उत्कृष्ट है मास्टर जू नहीं चाहती थी कि अगर जी बेंग मास्टर लेंग की बातें सुने तो वह अप्रसन्न हो वह समझता था कि जी बेंग सहनशील है लेकिन वह नहीं चाहता था कि मास्टर लेंग इसे जोर से कहे ओह मैंने तुम्हें पहले कभी किसी के प्रति इतना सुरक्षात्मक नहीं देखा मास्टर लेंग ने मजाक किया आप अपनी भावी पोती के प्रति सुरक्षात्मक है मैं वही काम क्यों नहीं कर सकता मास्टर जू ने तर्क दिया ठीक है क्या तुम्हें हर बार मिलने पर बहस करनी पड़ती है क्या तुम कुछ देर के लिए शांत नहीं रह सकते जियांग ने इस्तीफा देते हुए कहा मास्टर लेंग और मास्टर जू जब भी मिलते थे तो हमेशा बहस करते थे ऐसा लगता था कि उनके बीच बहस करने का हमेशा कोई न कोई कारण होता था अब हम बूढ़े हो गए हैं और हम मर रहे हैं जिंदगी छोटी है अगर हम अभी एक दूसरे से बहस नहीं करते हैं तो हमें भविष्य में मौका नहीं मिलेगा मास्टर लेंग ने कहा वह मजाक कर रहा था लेकिन वह थोड़ा उदास लग रहा था हालांकि वे लगभग 80 साल तक जीवित रहे थे और यह कोई छोटा समय नहीं था कोई भी मरना नहीं चाहता था अगर उसे जरूरत न हो इसे रोक ऐसा कुछ मत कहो मैं सौ साल तक जीना चाहता हूँ अभी भी मुझसे बीस साल आगे है मैं अपने पोते पोतियों की शादी होते और एक परिवार बसाते हुए देखने जा रहा हूँ मास्टर जू को भी दुख हुआ लेकिन उन्होंने दुख को अनुमति देने से इनकार कर दिया दरअसल उन्हें काव्या के पावर क्रिस्टल से पोषण मिला था जब तक कोई दुर्घटना न हो वे सौ वर्ष तक जीवित रह सकते थे वैसे भी उनका शरीर लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रहेगा हाँ हाँ ठीक है मैं अपने पोते पोतियों की शादी होते हुए और परिवार बढ़ाते हुए भी देखूंगा मास्टर लेंग जोर से हंसे और इस विषय को छोड़ दिया लेंग शाउटिंग को काव्या की क्षमताओं पर विश्वास था लेकिन फिर भी वह उसके बारे में चिंतित थे इसलिए मेहमानों को बाहर ले जाने के बाद वह गेट पर काव्या का इंतजार करने लगा यह देखकर जू जिनचेन और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए ऐसे आदमी से कौन उम्मीद कर सकता है जिसे महिलाओं में कभी दिलचस्पी नहीं रही कि वह इतनी गहराई से प्यार करेगा वह मुश्किल से एक मिनट के लिए भी काव्या से अलग हो सकता है जू जिनचेन ने कहा आजकल ऐसा वफादार आदमी देखना दुर्लभ है लेकिन महिलाओं को स्नेही पुरुष पसंद आते हैं क्या आपको लगता है कि एक आदमी के लिए इतनी गहराई से प्यार करना बुरी बात है जी बेंग ने जू जिनचेन की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा जू जिनचैन चौंक गया और उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है बाकी लोग उसे देखते रहे और उसके दुर्भाग्य पर खुशियां मनाते रहे वे एक नाटक देखने का इंतजार कर रहे थे जू जिनचेन ने तुरंत अपना गला साफ किया और समझाया यह निश्चित रूप से कोई बुरी बात नहीं है मुझे भी शूटिंग जैसी ही अनुभूति हो रही है हम दोनों वफादार स्नेही पुरुष हैं मुझे बस यही लगता है कि काव्या से प्यार होने के बाद शूटिंग पूरी तरह से बदल गई है प्यार सचमुच इंसान को बदल सकता है यह सुनकर जी बेंग संतुष्ट हो गई महान जू जिनचेन को भी राहत मिली जब उनके दोस्तों ने देखा कि जू जिनचेन जी बेंग से कितना डरा हुआ था तो उन्हें यह बेहद मजेदार लगा वे जानते थे कि जू जिनचैन वास्तव में डरा हुआ नहीं था लेकिन वह जी बेंग से प्यार करता था इसलिए उसे उसकी भावनाओं की परवाह थी लेंग शूटिंग ने तब तक आराम नहीं किया जब तक काव्या अंत वापस नहीं आ गई कार रुकने के बाद लेंग शाउटिंग तुरंत आगे बढ़ गए वह काव्या के लिए कार का दरवाजा खोलने गया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकलने में मदद की काव्या को वापस ले जाने वाला ड्राइवर लेंग शाउटिंग के व्यवहार से आश्चर्यचकित था उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि कोई भी एक खूबसूरत महिला के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता यहां तक कि प्रसिद्ध ठंडे जनरल लेंग को भी काव्या जैसी सुंदरी के सामने झुकना पड़ा ड्राइवर के चले जाने के बाद लेंग शाउटिंग और काव्या हाथ में हाथ डाले घर में चले गए रास्ते में लेंग शाउटिंग ने पूछा क्या कुछ हुआ हाँ हम दो निंजाओं से मिले जो एक्सेक्स रोड पर छुपे हुए थे अगर हम में से कोई भी राष्ट्रपति के साथ नहीं गया होता तो शायद उनकी हत्या कर दी गई होती काव्या ने कहा क्योंकि लेंग शाउटिंग समझ गए थे कि वे लिंगफेंग के सामने मुसीबत है उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ लेकिन निंजा के बारे में सुनकर उन्हें नाराजगी हुई उनकी राष्ट्रपति को चोट पहुंचाने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे हुई ऐसा लगता है कि हमारे देश और देश आर और देश एफ के बीच समझौते ने देश आर को खतरा महसूस कराया है लेंग शाउटिंग ने कहा उसने काव्या को एग्रीमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी अपने रोमांटिक रिश्ते में काव्या से कोई रहस्य नहीं छिपाया लेकिन यह उनके देश के हित से जुड़ा था इसलिए वह उसे नहीं बता सका काव्या ने भी इस बारे में नहीं पूछा काव्या के वापस लौटने के बाद किसी ने उसकी आलोचना नहीं की इसके बजाय उन सभी ने उससे पूछा कि क्या वह भूखी है जाने से पहले उसने कुछ भी नहीं खाया था इसलिए यू यिन और जिन युनियाओं ने विशेष रूप से उसके लिए भोजन तैयार किया उन्होंने उसकी आलोचना नहीं की लेकिन काव्या बीच में ही चली गई और जन्मदिन की पार्टी खत्म होने तक वापस नहीं आई यह असभ्य था इसलिए काव्या ने तुरंत मास्टर लेंग से माफी मांगी दादाजी लेंग मुझे अपनी अनुपस्थिति के लिए बहुत खेद है एक आपातकालीन स्थिति के कारण मुझे जाना पड़ा कृपया मुझे आपके जन्मदिन की पार्टी अंत तक न मनाने के लिए क्षमा करें बेशक मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा मैं अनुचित नहीं हूं मास्टर लेंग ने अप्रसन्न प्रतीत होते हुए कहा वह नहीं चाहता था कि काव्या यह सोचे कि वह उसे दोषी ठहराएगा उसे उसकी सुरक्षा की परवाह थी और केवल यही आशा थी कि वह सुरक्षित रहेगी मुझे पता है कि तुम अनुचित नहीं हो लेकिन मुझे अपने शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए इसलिए मेरे लिए माफी मांगना जरूरी है ठीक है मेरा काम हो गया और मैं भूख से मर रहा हूँ क्या वहाँ कुछ खाने के लिए है काव्या ने एक शरारती लड़की की तरह कहा जिससे सभी खुश हो गए यह सुनकर कि काव्या भूखी थी यूयिन ने तुरंत उसे डाइनिंग हॉल में भोजन करने के लिए खींच लिया मैंने तुम्हें पहले कुछ खाते हुए नहीं देखा था इसलिए मुझे पता था कि वापस आने के बाद तुम भूखे होगे। आपके लिए खाना तैयार है जाओ कुछ ले लो लेंग शाउटिंग को डर था कि अगर काव्या अकेले खाना खाएगी तो वह अकेली हो जाएगी इसलिए वह उसके साथ डाइनिंग हॉल में गया फिर वह उसके ठीक बगल में बैठ गया और उसे खाना खाते हुए देखा लेंग शाउटिंग के व्यवहार को देखकर दूसरों को लगा कि यह बहुत ज्यादा है मुझे लगता है कि शूटिंग खुद को समग्र रूप से काव्या के साथ मिलाना चाहती है मुझे कहना होगा कि मैं थोड़ा ईर्ष्यालु हूँ लेंग शावक्सी ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा यह देखकर कि वे कितने खुश थे अचानक वह भी प्यार में पड़ना चाहती थी क्या आपको ईर्ष्या हो रही है अपने लिए एक बॉयफ्रेंड बनाओ गो अन्ना ने कहा चलो तुम मुझसे बड़े हो और अभी भी सिंगल हो मुझे क्यों चिंतित होना चाहिए लेंग शावक्सी ने तर्क दिया मुझे आजादी पसंद है क्या तुम समझ रहे हो मुझे लगता है कि बॉयफ्रेंड की तुलना में ड्रिंक और इंटरनेट अधिक मजेदार है गो अन्ना ने कहा जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे पुरुषों में बहुत कम रुचि है अच्छा लेंग शाओक्सी ने बेपरवाह जवाब दिया तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने जू जिनचेन से पूछा जिनचेन मैं संयोग से उस दिन सड़कों पर सौंग हावयू और एक महिला से मिली थी वह आज अनुपस्थित है क्या वह सैन्य अड्डे पर वापस चला गया हालांकि उसने जू जिनचेन से पूछा उसने गो अन्ना पर विशेष ध्यान दिया यह स्पष्ट था कि उसने जानबूझकर गो अन्ना की प्रतिक्रिया देखने के लिए यह प्रश्न पूछा था उसका सवाल सुनकर गो अन्ना घबरा गई उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया लेकिन लेंग शौकसी ने फिर भी इसे देखा और संतुष्ट महसूस किया क्या गो अन्ना ने यह नहीं कहा कि उसे आज़ादी पसंद है जब उसने सुना कि सौन हाउयू एक महिला के साथ है तो वह क्यों घबरा गई हालांकि गो अन्ना और सोंग हाउयू अभी सिर्फ दोस्त थे लेंग शाक्सी देख सकते थे कि उनके बीच केमिस्ट्री थी इसलिए लेंग शाकसी ने जानबूझ उसे बड़ा किया गो अन्ना को वास्तव में सौंग हाउू में दिलचस्पी थी लेकिन यह प्यार नहीं था आखिरकार उन्होंने एक साथ ज्यादा समय नहीं बिताया और क्योंकि गो अन्ना को सॉन्ग हावयू में दिलचस्पी थी वह तब परेशान हो गई जब उसने सुना कि लेंग शाक्सी संयोगवश एक महिला के साथ सॉन्ग हावयू से टकरा गई थी वह महिला कौन थी गो अन्ना उत्सुक था लेकिन पूछने में झिझक रहा था इसके अलावा वह नहीं जानती थी कि पूछने के लिए उसकी स्थिति क्या है इसलिए भले ही गो अन्ना परेशान थी फिर भी उसने खुद को शांत रखा हां वह परसों वापस चला गया जू जिनचे ने कहा तभी उसके दिमाग में एक विचार आया तुमने उसके बारे में क्यों पूछा क्या आप उसमें रुचि रखते हैं उसने लेंग शाक्सी से अचानक पूछा यह सुनकर लेंग शौकसी ने तुरंत इसका खंडन किया बिल्कुल नहीं मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है मैंने बस इसके बारे में सोचा मैं बस पूछ रहा हूं लेंग शौक्सी ने तुरंत इसका खंडन किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि गो अन्ना उसे और सोन हाउयू को गलत समझे उसे सोन हाउयू में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी गु अन्ना ने इस पर विश्वास किया यदि लेंग शाओक्सी को सॉन्ग हाओयू में दिलचस्पी होती तो वह बहुत पहले ही कार्रवाई कर सकती थी आख़िरकार वे एक साथ बड़े हुए उस पल तक उसे समझ नहीं आया था कि लेंग शाओक्सी ने अचानक सॉन्ग हाओयू का जिक्र क्यों किया लेंग शाओक्सी उसे चिढ़ा रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि उसे आज़ादी पसंद है ऐसा लग रहा था कि लेंग शाओक्सी ने सॉन्ग हायू में उसकी रुचि पर ध्यान दिया था गो अन्ना को इसकी परवाह नहीं थी कि क्या अन्य लोगों को सौंग हावय में उसकी रुचि के बारे में पता था लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसके मन में सौन्ग हावयू के प्रति वास्तव में भावनाएं हैं या नहीं अगर उसे इस बात का यकीन होता तो वह उसका पीछा करने से नहीं हिचकिचाती मैं तो बस मजाक कर रहा हूं आपने इतनी जल्दी इससे इनकार क्यों कर दिया लगता है तुम थोड़ा घबरा गए हो जू जिनचेन ने मजाक किया उन्हें पता था कि लेंग शौक्सी को सौंग हावय में कोई दिलचस्पी नहीं थी आखिरकार यह देखना आसान था कि कोई प्यार में है या नहीं यह सुनकर लेंग शौक नाराज हो गए मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है जो जिनचेन ने तुरंत उसके साथ मजाक करना बंद कर दिया रात दस बजे से पहले सभी लोग चले गए तान हाइफेंग और तान यूनफान लेंग परिवार के घर में रुके क्योंकि मास्टर लेंग ने जोर दिया था इसलिए काव्या और अन्य लोग भी रात को रुके टैन हैफेंग और टैंग यूनफान को उनके कमरे में ले जाने के बाद लेंग शाउटिंग मास्टर लेंग के साथ अध्ययन कक्ष में गए और उन्हें बताया कि क्या हुआ था हालांकि मास्टर लेंग वर्षों से सेवानिवृत्त थे और उनके पास राजनीति में शामिल होने की कोई शक्ति नहीं थी उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि क्या कुछ गंभीर हुआ है मास्टर लेंग को सेवानिवृत्त हुए कई साल हो गए थे लेकिन वे लिंगफेंग को अब भी जरूरत पड़ने पर मदद के लिए मास्टर लेंग की ओर रुख करना पड़ता था आखिरकार मास्टर लेंग राष्ट्रपति हुआ करते थे और उनके पास वे लिंगफेंग से अधिक अनुभव था एक बार जब मास्टर लेंग ने सुना कि क्या हुआ था तो वह क्रोधित हो गए इस पद पर रहते हुए किसी को हत्याओं के लिए तैयार रहना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह स्वीकार्य है यदि मास्टरमाइंड कोई स्थानीय नागरिक होता तो मास्टर लेंग इतना पागल नहीं होता लेकिन वह कंट्री आर के निंजा थे निंजा से निपटना आसान नहीं था इसलिए अगर काव्या ने उन पर ध्यान नहीं दिया होता तो वे लिंगफेंग को मार दिया जा सकता था काव्या की मदद के कारण वे लिंगफेंग इस बार बच गए लेकिन अगर काव्या और लेंग शाउटिंग मौजूद नहीं थे तो उन्हें क्या करना चाहिए मास्टर लेंग बहुत चिंतित थे लेंग शाउटिंग मास्टर लेंग की चिंताओं को समझते थे और चिंतित भी थे हालांकि वह वेई लिंगफेंग की रक्षा करने के लिए बहुत इच्छुक था लेकिन वह हर समय उसके साथ नहीं रह सकता था उसे अपना खुद का व्यवसाय निपटाना था सौभाग्य से वेई लिंगफेंग को काव्या से कुछ पावर क्रिस्टल ताकि घायल होने पर वह अपना इलाज कर सके लेंग शाउटिंग ने मास्टर लेंग को इसके बारे में बताया इसलिए मास्टर लेंग को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ किसी और ने नहीं सुना कि वेई लिंगफेंग की हत्या हुई थी अगर बाहर वालों को पता चलता तो खबर विदेश तक जरूर जाती अगली सुबह टैंग हैफेंग और टैंग यूनफान को सिटी बी वापस जाना था इसलिए काव्या और लेंग शाउटिंग उन्हें हवाई अड्डे तक ले गए बिछड़ना हमेशा दुखद था हालांकि तान हाइफेंग और तान यूनफान को पता था कि काव्या परिपक्व और स्थिर थी और अपनी अच्छी देखभाल कर सकती थी फिर भी उन्होंने उसे सावधान रहने की याद दिलाई काव्या ने उनकी बात सुनी वे उसका परिवार थे इसलिए वह अधीर नहीं होगी वह बहुत खुश थी कि उन्हें उसकी परवाह थी टेंग हैफेंग और टैंग युनफान को दूर भेजने के बाद काव्या और लेंग शाउटिंग लेंग परिवार के घर लौट आए जान डाउसौन अभी तक नहीं गया था क्योंकि वह शायद ही कभी राजधानी आता था इसलिए उसने कुछ और दिन रुकने का फैसला किया कल रात जान जियन और जान डाउसोंग एक होटल में रुकने गए थे इसलिए मास्टर लेंग ने लेंग शाउमिंग से आज सुबह उन्हें लेने के लिए कहा दोपहर के समय लेंग शाकसुन ने दोपहर में एक कैंपिंग यात्रा का प्रस्ताव रखा क्योंकि दिन अच्छा था लेंग शाउटिंग ने कुछ नहीं कहा इसलिए मास्टर लेंग ने कहा शॉकसुन सही है आप सामान्यतः बहुत व्यस्त रहते हैं अब जब आपके पास एक साथ इकट्ठा होने का समय है तो कुछ मौजमस्ती करने के लिए बाहर जाए चूंकि मास्टर लेंग सहमत थे लेंग शाउटिंग ने उनकी सलाह स्वीकार कर ली और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया शूटिंग क्या आप जिनचेंग को फोन कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं कि क्या वह हमारे साथ जुड़ सकता है अगर हम में से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा हो सके तो यह अधिक मजेदार होगा लेंग शॉकसुन ने कहा हालांकि उनमें से कई पहले से ही थे यह अधिक आनंददायक होगा यदि अधिक लोग उनके साथ जुड़ सके बिल्कुल लेंग शूटिंग ने सिर हिलाया भोजन करने के बाद लेंग शाउटिंग ने जू जिनचेन को फोन किया और उन्हें बताया कि वे शिविर में जा रहे हैं और यदि उनके पास समय हो तो वह उनके साथ शामिल हो सकते हैं यह सुनकर जू जिनचेन सहमत हो गए वह जी बेइंग के साथ बाहर मौजमस्ती भी करना चाहता था यदि वे कुछ निजी समय बिता सके तो यह रोमांटिक होगा लेकिन अपने दोस्तों के साथ किसी गतिविधि में शामिल होना अधिक मजेदार होगा जिंदगी में रोमांस ही सब कुछ नहीं था उन्हें दोस्तों की भी जरूरत थी दोपहर दो, दो बजकर तीस मिनट बजे वे नियत स्थान पर मिले फिर निकल पड़े उन्होंने अभी तक कोई शिविर नहीं चुना था क्योंकि वे शायद ही कभी आसपास की यात्रा करते थे और नहीं जानते थे कि पिकनिक के लिए सबसे अच्छी जगह कहा है वैसे भी जब तक वहाँ पहाड़ और खूबसूरत नजारे हैं यह एक अच्छा विकल्प होगा यह सोचकर उन्होंने कियानलिंग पर्वत को चुना वहां एक नदी थी इसलिए वे उस दिशा में एक शिविर की तलाश कर सकते थे और देख सकते थे कि यह उनके लिए कहाँ उपयुक्त होगा वे अपने साथ कोई भोजन नहीं लाए वे केवल पानी और कुछ फल लेकर आए चूंकि यह एक पिकनिक थी इसलिए उन्हें उस समय कुछ जंगली सब्जियां और जानवर मिलेंगे उनके लिए जंगली जानवरों को पकड़ना आसान नहीं हो सकता लेंग शाउमिंग लेंग शाउक्सी और लेंग शाउक्सुन के अलावा बाकी लोगों ने पहले कुछ जंगली जानवरों को पकड़ा था लेंग शाओमिंग उनके साथ आई लेकिन लेंग शाउजिया नहीं आई क्योंकि वह उनके साथ मजा नहीं करना चाहती थी अतीत में लेंग शाओमिंग भी उनके साथ शामिल नहीं हुए होंगे लेकिन अब उन्हें लगा कि वे दोस्त बन सकते हैं कुल मिलाकर उनमें से आठ थे अर्थात लेंग शाउटिंग काव्या लेंग शाओमिंग लेंग शाओक्सुन लेंग शाओक्सी जान जेन जू जिनचेन और जी बेइंग लेंग शाओक्सी और लेंग शाओक्सुन ने काव्या और लेंग शाउटिंग के साथ एक कार साझा की जबकि लेंग शाओमिंग और जान जानजीन जू जिनचेन और जी बेइंग के साथ एक ही कार में थे लेंग शूटिंग ने सबसे आगे गाड़ी चलाई क्योंकि काव्या अपनी पिकनिक के लिए सबसे अच्छी जगह चुनती थी हालांकि वे कियानलिंग पर्वत की ओर जा रहे थे वे बहुत करीब नहीं गए क्योंकि यह एक पर्यटक आकर्षण था और वहां कई पर्यटक होंगे इसलिए वे कियानलिंग पर्वत से आठ किलोमीटर दूर रुक गए और नदी के किनारे एक उपयुक्त शिविर चुना नदी पहाड़ों से घिरी हुई थी लेकिन मुख्य सड़क के करीब नहीं थी नतीजा यह हुआ कि उन्हें कार सड़क किनारे रोकनी पड़ी फिर वे अपने गंतव्य तक लगभग एक किलोमीटर पैदल चले गंतव्य पर पहुंचने के बाद उन्होंने अलग अलग काम किया लेंग शाउटिंग और जू जिनचेन पहाड़ों में कुछ जानवरों को पकड़ने गए थे जान जेन और लेंग शाउमिंग जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने गए थे लेंग शाउक्सी और लेंग शाक्सुन ने फलों को साफ किया और उन्हें प्लेटों में रखा और काव्या और जी बेंग नदी में मछली पकड़ने गए नदी गहरी नहीं थी और पानी बहुत साफ था इसलिए वहां बहुत सारी मछलियां थी लेंग शाउटिंग और जू जिनचेन के कुछ दूर चले जाने के बाद जू जिनचेन ने लेंग शाउटिंग से कहा मुझे बहुत आश्चर्य है कि लेंग शावमिंग तुम्हारे साथ बाहर जाने को तैयार था जू जिनचेन का लेंग शाउटिंग के साथ घनिष्ठ संबंध था और वे एक दूसरे को तब से जानते थे जब वे छोटे थे इसलिए उन्हें पता था कि लेंग शावमिंग की कभी भी लेंग शाउटिंग के साथ नहीं बनी वह यह भी जानता था कि लेंग शाउटिंग के दूसरे चाचा उसे नापसन करते थे इसलिए यह एक बड़ा आश्चर्य था कि लेंग शाविंग आज लेंग शाउटिंग के साथ बाहर आए और वे शांति में लग रहे थे कुछ चीज़ों से गुज़रने के बाद वे बदल गए हैं लेंग शाउटिंग ने कहा ठीक है आप एक परिवार हैं एक परिवार के लिए एक दूसरे के साथ रहना बेहतर होता है यही बेहतर भविष्य की कुंजी है यदि नहीं तो केवल बुरे परिणाम होंगे जू जिनचेन ने कहा हालांकि लेंग शाउमिंग को पहले लेंग शाउटिंग का साथ नहीं मिला था लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो अस्वीकार्य हो इसलिए जू जिनचेन को उससे नफ़रत नहीं थी और अब वह बदल गया था इसलिए जू जिनचेन धीरे धीरे उसके बारे में बेहतर धारणा विकसित कर सकता था लेंग शाउटिंग के मन में कभी भी लेंग युआनकियान के परिवार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का विचार नहीं था लेकिन उन्होंने हमेशा उसे एक प्रतियोगी के रूप में देखा सौभाग्य से उन सभी ने अब उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया था यह देखकर वह खुश हो गया उसे वास्तव में उनकी परवाह नहीं थी लेकिन उसे मास्टर लेंग की भावनाओं की परवाह थी काव्या और जी बेंग ने मछली पकड़ने के लिए कुछ छड़ियां उठाई और उन्हें तेज किया बिना अधिक प्रयास के उन्होंने आठ मछलियां पकड़ ली काव्या ने पांच और जी बेंग ने तीन विकेट लिए उन्हें लगा कि यह पर्याप्त है क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास एक मछली हो सकती है यदि वे और अधिक चाहते तो वे बाद में और अधिक मछलियां पकड़ सकते थे आखिरकार उनके पास पेट भरने के लिए अन्य भोजन भी था वे अपने साथ व्यंजन नहीं लाए लेकिन वे कुछ मसाला अवश्य लाए अन्यथा वे खाना नहीं बना पाते वाह तुमने इतनी जल्दी मछली पकड़ ली हमने अभी तक फलों का सलाद भी खत्म नहीं किया है लेन सुन काव्या और जी बेइंग को मछली के साथ वापस देखकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि कुछ ही मिनट बीते थे ये हम है। हम कुशल हैं लेंग शॉक्सी ने लेंग शॉक्सुन की ओर अपनी आंखें घुमाई वह जानती थी कि काव्या कितनी कुशल है इसलिए उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ सही है लेकिन यह अभी भी आश्चर्यजनक है लेंग शॉक्सुन समझ गए कि काव्या कितनी कुशल थी और यह बहुत सामान्य था कि उन्होंने इतनी जल्दी मछली पकड़ ली लेकिन यह अभी भी आश्चर्य की बात थी ठीक है मैं भी मछली पकड़ने गया था सारा श्रेय काव्या को मत दो मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूं लेकिन मैंने भी तीन मछलियाँ पकड़ी है जी बेंग ने कहा कि जब उन्हें विश्वास हुआ कि सभी मछलियाँ काव्या ने पकड़ी थी बेशक आप भी बहुत प्रभावशाली हैं लेंग शौक्सी ने समझाया सही लेंग शौक्सुन ईमानदारी के साथ उनकी बातचीत में शामिल हुए महान जी बेंग संतुष्ट थे लगभग एक दर्जन मिनट बाद लेंग शॉमिंग और जान जीन जलाऊ लकड़ी लेकर वापस आए इसलिए उन्होंने आग जलाना और मछली भूनना शुरू कर दिया जब भुनी हुई मछली लगभग पूरी हो गई तो लेंग शाउटिंग जू जिनचेन के साथ वापस आ गए उन्होंने दो जंगली खरगोश और एक छोटा जंगली स्वर पकड़ा था वाह तुमने एक जंगली स्वर पकड़ लिया लेंग शॉक्सुन ने चिल्लाकर कहा उसने सोचा कि वे अधिक से अधिक कुछ जंगली खरगोश पकड़ लेंगे वापस आने के बाद वे जंगली खरगोशों और स्वर को मारने और साफ करने गए हालांकि ठीक उसी समय जब लेंग शाउटिंग और जू जिनचेन जंगली खरगोशों और जंगली स्वर को काट रहे थे तीन मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति गुस्से में उनकी ओर दौड़े काव्या ने सोचा कि जमीन पर उनका स्वामित्व हो सकता है और उन्होंने उनकी जमीन को नुकसान पहुंचाया वे गुस्से में हमारी ओर क्यों दौड़ रहे हैं लेंग शाक्सी ने असमंजस में पूछा पता नहीं लेंग शौक ने कहा हम इसका पता लगा लेंगे जी बेंग ने कहा क्योंकि वे उन लोगों के इरादों को नहीं जानते थे काव्या और अन्य लोगों ने कुछ नहीं किया तुमने हमारा जंगली स्वर चुरा लिया आपको इसके लिए हमें भुगतान करना चाहिए एक बार जब वे करीब आ गए तो तीनों में से एक ने गुस्से में कहा क्या आपके पास यह साबित करने के लिए सबूत है कि यह जंगली स्वर आपका ही है हम आप पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि आपने कहा था कि यह आपका है यदि आप इसे साबित कर सकते हैं तो हम आपको भुगतान करेंगे काव्या ने कहा यदि यह जंगली स्वर तीन लोगों के स्वामित्व में होता तो वे उन्हें भुगतान करते लेकिन उसने नहीं सोचा कि यह सच है जब तीनों आदमी उन पर चिल्लाए तो उनकी आंखों में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था जो झूठ बोलने का संकेत था इसलिए यदि यह जंगली स्वर उनका नहीं था तो वे उन्हें ब्लैकमेल करने आए होंगे